डिवीजन इन 2D के बाद वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन. सो कोलिजन ऑफ बॉल्स इन 2D. नेक्स्ट है बॉम्ब एक्सप्लोजन, हमने नहीं किया. सपोज बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है एंड सपोज बॉम्ब इज लाइंग एट रेस्ट. बॉम्ब के दो पार्ट्स हो गए. फर्स्ट पार्ट M1 मूविंग विद V1 इन दिस डायरेक्शन, तो दूसरा पार्ट M2 विल मूव विद अ वेलोसिटी V2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन होने से पहले जो बॉम्ब है उसकी उसका मोमेंटम टोटल क्या था? जीरो. बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हो गया तो एक पीस गया विद M1 V1 इन फॉरवर्ड, तो दूसरे को पीछे आना ही पड़ेगा विद माइनस M2 V2, सो दैट इनका टोटल सम क्या आएगा? इक्वल टू जीरो. तो एक्सप्लोजन होने से पहले और एक्सप्लोजन होने के बाद टोटल मोमेंटम की वैल्यू सेम है. तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन तब है जब बॉम्ब के कितने पीसेस होंगे? 2 पीसेस. अब बॉम्ब के 3 पीसेस करके देखते हैं. अगर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो 3 पीसेस का आएगा. बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा हुआ था, टोटल मोमेंटम जीरो. क्या हुआ? बॉम्ब के 3 पीस हो गए. एक पीस इधर चला गया विद मोमेंटम M1 V1, एक ऊपर चला गया विद M2 V2. तो जो थर्ड पीस होगा इनका नेट जो मोमेंटम आएगा इसको कैंसिल करने के लिए थर्ड पीस को पीछे ही जाना पड़ेगा विद M3 V3. तो ये और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से. और इनको कंजर्व करने के लिए क्या होगा कि इसका मोमेंटम M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर प्लस माइनस M3 V3. माइनस साइन इसलिए, सो दैट जो आगे का मोमेंटम है इज कंजर्व्ड बाय द पीछे का मोमेंटम. तो नेट मोमेंटम की वैल्यू अल्टीमेटली क्या जाएगी? जीरो. क्लियर है यहां तक? तो या फिर इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मोमेंटम इस मोमेंटम को क्या कर गया? कैंसल. सच दैट टोटल मोमेंटम की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी? जीरो. पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो 3 पीसेस, जब 3 पीस होंगे तो उसमें भी पॉइंट क्लियर है कि कैसे आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज सपोज अ बुलेट इज कमिंग. एक बुलेट आ रहा है एम विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, और सपोज एक ब्लॉक टंगा हुआ है कैपिटल एम, और ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे है. इनकी कोलिजन हो जाती है तो टोटल मास क्या हो जाता है? एम प्लस स्मॉल एम. कोलिजन होने के बाद दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ कैपिटल वी, कॉमन वेलोसिटी कैपिटल वी. तो टक्कर होने से पहले बुलेट का मोमेंटम इतना और ब्लॉक का मोमेंटम जीरो. कोलिजन हो गई. जब कोलिजन हो गई तो टोटल मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई? एम प्लस एम इंटू कैपिटल वी. तो यहां से कैपिटल वी कैन बी कैलकुलेटेड. तो ये क्वेश्चंस नॉर्मली वर्क एनर्जी पावर में बड़े फेमस क्वेश्चंस हैं, तो वर्क एनर्जी पावर के अंदर हम इसे यूज भी करेंगे कि कैसे कॉमन वेलोसिटी से ये ब्लॉक चलेगा एंड उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, बाद की बात है. पर यहां तो क्लियर है, जब भी कोलिजन होगा तो कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय मोमेंटम कंजर्वेशन. नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसके बाद, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल्स का. तो प्रोजेक्टाइल्स के केस में देखते हैं क्या होगा. तो प्रोजेक्टाइल के केस में सबसे पहले प्रोजेक्टाइल में जब एक्सप्लोजन होगा, और मान लो 2 पार्ट्स में आपका प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? सुना होगा प्रोजेक्टाइल जा रहा था 2 टुकड़े हो गए, प्रोजेक्टाइल जा रहा था 3 टुकड़े हो गए, और जो एक पीस है उसकी वेलोसिटी देगा, दूसरे पीस की आपको वेलोसिटी निकालने को कहेगा. प्रोजेक्टाइल में बड़े फेमस क्वेश्चन है. तो सबसे पहले 2 पीसेस में देखते हैं कि मान लो 1 मिनट के लिए आपका प्रोजेक्टाइल गया वी एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो उस केस में क्या होगा? इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है v cos theta, टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी v cos theta, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो. याद है, क्लियर है? अब क्वेश्चन में गिवन है इसके मान लो 2 पीसेस हो गए, एक m/2 और एक m/2. जो m/2 पीस है इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. ये अपना रास्ता क्या कर गया? रिट्रेस कर गया. ठीक, रिट्रेस का मतलब वापस आ गया, वहीं पर वापस चला गया. तो बताओ जो दूसरा पीस है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जो दूसरा पीस है m/2 उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको बताना है. एक्सप्लोजन कहां पर हुआ है? टॉप मोस्ट पॉइंट. तो सबसे पहली चीज, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो आपका मोमेंटम था किस तरफ था? ये टोटल मास m था, वेलोसिटी v cos थीटा थी, तो मोमेंटम जो लग रहा है वो अलोंग x एक्सिस लग रहा है, क्योंकि मोशन ही किसके अलोंग थी? सिर्फ x के अलोंग. y के अलोंग तो मोशन नहीं थी ना. तो x के अलोंग
एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम एम इंटू वी कॉस थीटा, कर दिया यहां तक। फिर एक्सप्लोजन हो गया, एक टुकड़ा रिट्रेस कर गया पाथ एम बाई टू, जब रिट्रेस करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या रहेगी, वी कॉस थीटा। तो लिखो एम बाई टू इंटू, बोलो क्या, माइनस वी कॉस थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि रिट्रेस की वजह से इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज। क्लियर है यहां तक? तो रिट्रेस करने से एम बाई टू इंटू माइनस वी कॉस थीटा प्लस प्लस जो नेक्स्ट पार्टिकल है एम बाई टू, एम बाई सॉरी टू, वो चला गया विद द वेलोसिटी ऑफ वी डैश। यहां से सॉल्व कर लो, वी डैश आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पहले आपने टोटल मोमेंटम निकाला टॉप मोस्ट पॉइंट पर, फिर आपने एम बाई टू का मोमेंटम निकाला, फिर आपने दूसरे एम बाई टू का मोमेंटम निकाला, और फिर क्या किया आपने उस केस में, आपने वी डैश की वैल्यू निकाल दी। यहां तक क्लियर है? ठीक आ जाएगा आंसर, मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे सॉल्व। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्टाइल तीन पार्ट्स में जब एक्सप्लोड होता है तो क्या कैसे करते हैं सॉल्व। प्रोजेक्टाइल जा रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, अगेन वी कॉस थीटा उसके पास वेलोसिटी है, और इनिशियल जो उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब क्या हुआ, तीन टुकड़े हो गए m बाई थ्री, एम बाई थ्री, एम बाई थ्री, तीन टुकड़े हो गए। जो m बाई थ्री पीस है, m बाई थ्री पीस है वो एक नीचे चला गया, जो दूसरा m बाई थ्री पीस है, जो दूसरा m बाई थ्री पीस है वो ऊपर चला गया इसी वेलोसिटी के साथ। तो बताओ जो तीसरा m बाई थ्री है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि एक पार्टिकल ऊपर जाता है तो दूसरा पार्टिकल एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट आता है, नीचे आता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्योंकि इनिशियली वाई एक्सिस की अगर आप बात करते हो तो वाई एक्सिस की लॉन्ग एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम था ही जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस की लॉन्ग तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू ही जीरो थी। तो ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर ये भी वेलोसिटी से ऊपर गया तो ये भी वेलोसिटी से ऊपर होगा, सो दैट वाई एक्सिस का मोमेंटम फिर से क्या आएगा, जीरो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और वाई एक्सिस की लॉन्ग तो उसने क्वेश्चन सोल्व करने को कहा भी नहीं, तो ये चीज क्लियर है। तो उसने इनका वाई एक्सिस का मोमेंटम तो अल्टीमेटली जीरो। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो अगर एक्स एक्सिस की बात करती हो तो एक्सप्लोजन होने से पहले एक्स के अलॉन्ग कितना मोमेंटम था, एम इंटू वी कॉस थीटा, ठीक। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो तीसरा पार्टिकल है उसको एक्स के अलॉन्ग ही जाना पड़ेगा, सो दैट उसका टोटल मोमेंटम की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहे, यानी कि इनिशियल एक्सप्लोजन होने से पहले इतना मोमेंटम है, एक्सप्लोजन होने के बाद एम बाई थ्री विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी डैश। यहां से वी डैश निकाल लेना, 3v cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आएगा। याद क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन या तो x के लॉन्ग चल रहा है या फिर y के लॉन्ग चल रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग अलग चलेगा, x के लॉन्ग अलग, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सपोज एक वॉल है, दीवार है, एक बॉल आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ u, मास बॉल का m, इसे टकरा रही है और जा रही है, मास इसका m और वापस गई विद अ वेलोसिटी ऑफ u, और सपोज एंगल इज 30 डिग्री जिसे कि बॉल स्ट्राइक कर रही है, ये भी 30 और ये भी 30, और लेट से कि बॉल वॉल के साथ 0.1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में थी, बॉल कुछ देर के लिए कांटेक्ट में रही, और कितनी देर के लिए, 0.1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रही। आपको निकालना है कि बॉल ने वॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगाई। मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं, फोर्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी, देखो जरा,
आंसर देना चाहते हैं इसका? इसमें क्या करेंगे? कोई मुझे सिर्फ एक अंदाजा कि ये आंसर आना चाहिए इसका। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम बता सकता है कोई? 2m, 2mv साइन थीटा, 2mu साइन थीटा। देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि इसमें मोमेंटम एक्स वाई प्लेन में चेंज हो रहा है, और अगर मोमेंटम एक्स वाई प्लेन में चेंज हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम एक्स के अलोंग भी होगा, चेंज इन मोमेंटम वाई के अलोंग भी होगा। तो मेरे को दोनों के अलोंग काम करना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कंपोनेंट बनाऊं मोमेंटम के, एक्स के अलोंग अलग, वाई के अलोंग अलग। कंपोनेंट बनाने से पहले एक चीज ध्यान से सुन लो, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स, और ये नहीं होनी चाहिए। ये वेलोसिटी वेक्टर है, दीवार से टकरा के वेक्टर मुड़ गया, ऐसे कभी सुना है? वेक्टर मुड़ते हैं ऐसे टकरा के? नहीं। अगर इस दीवार के यहां ईस्ट है तो दीवार आ गई बीच में, तो ईस्ट ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, ईस्ट तो वहीं रहेगी। तो अगर बॉल का मोमेंटम mu यहां तक था, ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर को आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना? तो अगर बॉल है इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर खत्म हो गया। हाँ, लाइन खत्म हो सकती है, वेक्टर थोड़ा ना खत्म हो गया, डायरेक्शन तो जा रही है आगे। ये आने का वेक्टर है और ये जाने का वेक्टर है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो उस केस में ये आपके पास 30 डिग्री है, तो लेट से ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये 30 है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। याद है, क्लियर है सबको? अब ये m into u आने का मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था, इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। 60 डिग्री के साथ कितना कितनी वैल्यू होगी m u cos of 60, और परपेंडिकुलर बोलो m u sin of 60, ठीक है ना? याद है, उसी तरीके से ये जाने का मोमेंटम है, तो इसका एक कंपोनेंट एम यू कॉस 60 इस तरफ, और इस तरफ एम यू साइन 60 इस तरफ। याद है, क्लियर है? तो मैंने कंपोनेंट्स बना लिए। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा? अब मैं पहले एक्स एक्सिस की बात करता हूं। एक्स एक्सिस के अलोंग मैं चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहता हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैं एक्स एक्सिस के कॉम्पोनेंट ही देखूंगा, एक ये कॉम्पोनेंट है और एक ये कॉम्पोनेंट है, करें सॉल्व। तो दिस विल बी इक्वल टू एम यू कॉस ऑफ 60 माइनस एम यू कॉस ऑफ 60। समझ आ गया क्यों माइनस? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है ना? तो क्या वैल्यू आ गई? 2 एम यू कॉस ऑफ 60। तो इट मींस फोर्स की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगी? डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2 एम यू कॉस ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है? यहां तक समझ आ रहा है? तो ये फोर्स किसके अलोंग आ गई? अलोंग एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस में ये एक मोमेंटम है, ये दूसरा मोमेंटम है, तो डेल्टा पी फॉर वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू एम यू साइन 60 माइनस एम यू साइन 60। नेगेटिव साइन तो आएगा नहीं इसमें, इसमें तो सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस जरूर आएगा, बिकॉज आई एम फाइंडिंग चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन की वजह से कोई नेगेटिव नहीं, क्योंकि टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम। तो नेट मोमेंटम वाई के अलोंग क्या आ गया माइनस करने के बाद? जीरो आ गया। तो फोर्स की वैल्यू भी वाई के अलोंग जीरो, तो यानी कि फोर्स विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, आंसर आ गया। समझ में आई बात? क्लियर है? और ये कॉमन मिस्टेक होती है, जब हम वेक्टर को एक्सटेंड नहीं करते तो ये क्वेश्चन 101% गलत हो जाएगा, हो जाता है काफी लोगों का, और ये सही मेथड है बिल्कुल। क्लियर है? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, देखो अ ब्लॉक मूव्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज वी, इफ इट स्लाइड्स, इफ इट स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम इंक्लिनेशन, वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज वी बाय एन. तो आपको ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा. तो पहले एक काम कर लो, केस नंबर वन ले लो. केस नंबर वन में एक ब्लॉक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, इसका वेट नीचे की तरफ है एम जी, एंगल इसका थीटा है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा. तो बेसिकली इसके अंदर कौन इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी जी साइन थीटा, और ब्लॉक नीचे आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना. तो आप फर्स्ट केस में अप्लाई कर लो, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू ए की जगह जी साइन थीटा इंटू लेट से ये डिस्टेंस की वैल्यू है एस into s square, this is our equation number 1. ठीक है ना यहां तक, this is your equation number 1. नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट केस है सपोज फ्रिक्शन प्रेजेंट है. अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ये ब्लॉक है, इसको कौन नीचे लेके जा रहा है एम जी साइन थीटा, और पीछे की तरफ क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये इसका वेट एम जी, ये थीटा एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स आर. तो अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलेरेशन की, तो क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, मान लो ये केस नंबर टू कर रहे हैं हम, तो उस केस में एम जी साइन थीटा बड़ी फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन. एम जी साइन थीटा माइनस न्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास कैंसल एम एम एंड एम, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. ज्यादा क्लियर है? तो ये एक्सेलेरेशन आ गई कब, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है. फिर से एक बार एक चीज लगाओ, क्योंकि सेकंड केस में क्या गिवन है कि जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ब्लॉक नीचे आएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ वी बाय एन वेलोसिटी से ब्लॉक नीचे आएगा. तो फिर से एक बार लगाओ, वी स्क्वायर मींस वी बाय एन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू इनटू एक्सेलेरेशन की जगह जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो ए इनटू एस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एस की वैल्यू इसमें भी क्या रहेगी. ठीक है ना,
ठीक है ना, यहाँ तक बस यही डिफरेंस है। एक काम करो, दो इक्वेशंस है, दोनों को डिवाइड कर लो, आ जाएगा जो निकालना है। ठीक है ना, दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को डिवाइड करो, आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो जब सॉल्व करो कि आंसर क्या आ रहा है इसका, डिवाइड करने से आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। डिवाइड करोगे तो टेन थीटा अपने आप आ जाएगा, साइन बाय कॉस की टर्म टेन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है, एक पुली है, इधर देखो क्वेश्चन है कि सपोज करो, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर 100 तो नहीं कहूंगा, एक दो ठीक कर ही देंगे, 100 अगर बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 या 4 का ही इसलिए ठीक होगा क्योंकि जो स्टेटमेंट ठीक पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर सॉल्व करके देखना, फिर भी आधों का गलत हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक पुली है, पुली चल रही है, पुली चल रही है तो यहां पर कोई वेट लग रहा है, कितना वेट लग रहा है, 2T, क्योंकि अगर यहां टेंशन TNT है तो यहां पर थ्रस्ट मींस फोर्स है, फोर्स कितनी एक्ट करती है, 2T, और अगर आप 2T को सॉल्व करो तो आपको याद होगा 4m1m2/m1+m2 × g। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दूसरे पैन पे जाके कुछ वेट्स को रखा ताकि सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो बोलो कितने वेट रखे मैंने, एग्जैक्टली इसके इक्वल ही वेट रखे राइट साइड पे जाके ताकि ये बैलेंस मेंटेन कर सके। यहां तक क्लियर है लवेश? अब मैंने क्या किया, पुली को घुमाना बंद कर दिया, नहीं घुमाया, बंद कर दिया। जैसे ही मैंने बंद किया तो टेंशन खत्म हो गई, नहीं यहां टूटी रहती नहीं है फिर तो यहां पर अब इफेक्टिव वेट कितना हो गया, m1+m2 × g, क्योंकि 2t का फैक्टर तो तब आता है ना जब आप सिस्टम में एक्सेलरेशन लेके आते हो, वो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन सॉल्व करते हो तो टेंशन आती है तो 2 टेंशन आती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपने पुली को घुमाना बंद कर दिया, जब आपने पुली को घुमाना बंद किया तो उस केस में वेट्स कितने रखने पड़े, ये रखने पड़े, पहले कितने रखने पड़े थे, 4m1m2/m1+m2 × g, ठीक है ना, यहां तक इतने रखने पड़े थे। मुझे कोई बताएगा कि ये वैल्यू बड़ी होती है कि ये वैल्यू बड़ी होती है, नीचे वाली कि ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा एक काम करो, रैंडमली एक काम करो, m1 को 1 kg ले लो, m2 को 2 kg ले लो, देखो जरा मैं अपना भार बढ़ा सकता हूं किसी तरीके से, नहीं बढ़ा सकता, कम जरूर कर सकता हूं, मीन्स अगर मैं पुली चलाऊंगा तो मेरा वेट थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा करो ना, मैं तो कह रहा हूँ m1 को 1 kg ले लो, m2 को रैंडमली कोई भी 2 kg ले लो, ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, नीचे वाली कैलकुलेट करो, देखो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब नीचे वाला तो वैसे भी एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट से ज्यादा कैसे कर दोगे, यानी कि अपरेंट वेट जो आ रहा है 2t वो m1+m2g से कम है। पहले वेट इतना रखना पड़ा उसको बैलेंस करने के लिए, अब वेट इतना रखना पड़ा उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि मैंने वेट्स बढ़ाए कि कम किए, बढ़ाए मैंने वेट को जो राइट साइड में रख रहा हूं, पहले मैंने कम वेट रखा अब मैंने ज्यादा वेट रखा, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, इंक्रीज। तो अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो इसमें से इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है ना। यहां तक इसका आंसर पता है क्या आ रहा है, आप माइनस करोगे, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक।
آگے مت پڑھنا, میری بات سننا صرف. یہ آنسر آ گیا. اب اس کا جو آنسر آ رہا ہے یہ ویلیو نوٹ کر لو, صرف مائنس کرنے کے بعد صرف ویلیو نوٹ کرنا, یہ مائنس مائنس کچھ نہیں. مان لو آپ نے مائنس کر دیا, آپ کے پاس آنسر آ گیا ایم ون مائنس ایم ٹو کا ہول اسکوائر اپون ایم ون پلس ایم ٹو انٹو جی. لکھ لیا, یہاں تک کلیئر ہے؟ ٹھیک. اب کوشچن ایک بار پھر سے پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ اس کا اے بی سی ڈی میں سے کیا آنسر آئے گا. آنسر دے دوں, پولی موو نہیں کروانی, مت مت کرواؤ. آپ کہہ رہے ہو سر میں نے یہ نہیں کہا یہاں ٹینشن نہیں ہوگی, میں کہہ رہا ہوں ٹینشن ہوگی, اور ٹینشن کی ویلیو کیا ہوگی میں اس کی بات کر رہا ہوں. سپوز یہ ایم ون ہے, یہ ایم ون جی ہے, سپوز یہ ایم ٹو جی ہے, یہاں بھی ٹینشن ہے, یہاں بھی ٹینشن ہے, ٹھیک ہے نا. پولی موو نہیں کر رہی, تو اگر یہ موو کر رہی ہوتی تو ہم کیا کرتے, ٹی مائنس ایم ون جی از اکول ٹو ایم ون, یہی کرتے نا. ایکسلیشن تو ہے نہیں, تو ٹی از اکول ٹو اسی طریقے سے یہاں سے ٹی از اکول ٹو ایم ٹو جی, اور یہاں ٹو ٹی کرو گے مینس ٹی پلس ٹی, تو آنسر تو وہی آئے گا ایم ون جی پلس ایم ٹو جی, ادھر کا ویٹ اور ادھر کا ویٹ. لیکن اگر ایکسلیشن ہوتی پھر فور ایم ون ایم ٹو جی اپون ایم ون, ٹینشن تو اب بھی ہے, اور ٹینشن ٹو ٹی ہی ہے, لیکن وہ ٹو ٹی کی جو ویلو آئے گی گھوم پھر کے کیا آئے گی, ایم ون جی پلس ایم ٹو جی ہے. اب ٹھیک ہے, آنسر پتا لگ گیا اس میں کیا پرابلم ہے. اس کا آنسر اے آپشن سمجھ آیا کیسے ہے؟ اے آنسر اس لیے ہے اس کا کیونکہ پہلے وہ کہتا ہے پولی چل رہی تھی, پھر کہتا ہے پولی کو روک دیا, پھر پولی کو روکنے کا مطلب کہ ویٹ کو کیا کرنا, انکریز کرنا, پھر اینڈ میں ایک لائن بولی کیا کہ پھر سے ایک بار پولی کو چلا دو تو بولو ویٹ انکریز کرنے پڑے کہ ڈیکریز کرنے پڑے. اب اگر پھر سے پولی کو چلاؤ گے تو ویٹ کو انکریز نہیں, ویٹ کو, اس لیے اے آنسر ہے. اگر کوئی آخری لائن نہیں پڑے گا جلدی میں فٹافٹ مائنس کر دے گا پھر پکا آنسر غلط ہوگا, کیونکہ یہاں تک تو مجھے ایسے, مجھے کیا سبھی کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ایک دم پولی پہلے چل رہی تھی پھر بند ہو گئی, اس کا مطلب ویٹ کو اس نے بڑھا دیا, لیکن پھر سے اس نے اینڈ میں بول دیا کہ پولی کو پھر چلاؤ, چلا کے بتاؤ کہ ویٹ کتنا ریڈیوس ہوگا. پرابلم پتا لگی اس کوشچن میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک, نیکسٹ کوشچن دیکھو. نیکسٹ کوشچن کے اندر ایک بلاک ہے جس کا ماس ایم ہے, از پشڈ ود دی ویلوسٹی آف یو ٹوورڈز اے موویبل ویج آف ایٹا ایم ماس اینڈ ہائٹ ایچ, آل دی سرفیسز آر اسموتھ, منیمم ویلیو آف یو فار وچ دی بلاک ول ریچ دی ٹاپ آف دی ویج از واٹ.
देखो फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं, फ्रिक्शन है नहीं। मैंने क्या किया, ब्लॉक को इसके ऊपर मैंने इसकी तरफ छोड़ दिया। मुझे क्या करना है, मुझे इसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक ब्लॉक को लेके जाना है। पहला तरीका, बहुत जोर की एम को मार दो। फिर याद रखना, एम को तो चाहे 100, 200, 300, 1000 की स्पीड के साथ लॉन्च कर दो, फिर ये यहां जाएगा और हवा में फिर पता नहीं कहां चला जाएगा। दूसरा तरीका, अगर वेलोसिटी कम हो गई फिर नीचे। मुझे ना तो ये केस चाहिए, ना मुझे पहले वाला केस चाहिए, मुझे कम से कम वेलोसिटी चाहिए कि मेरा ब्लॉक बस यहां तक पहुंच जाए, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। तो वेलोसिटी देने को तो ज्यादा भी दे सकते हो, पर मेरे को कम से कम वेलोसिटी दे रही है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, जैसी छोटा एम ये ईटा एम को स्ट्राइक करेगा तो ईटा एम वाला ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, फ्रिक्शन नहीं है तो मूव करेगा। और अगर ऐसा होगा तो मैं सबसे पहली चीज क्या लगाऊं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास नाम की कोई चीज नहीं, मास हमेशा कॉन्स्टेंट है, कोई लॉ नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितने लोग बोलते हैं? यस, हाँ बिल्कुल ठीक बोलते हैं। क्या गलत बोलते हैं? ये तो वही बात हो गई। कौन सी बात? कि सपोज एक ब्लॉक था कैपिटल एम, ईटा टाइम्स कैपिटल एम, एक बुलेट आया एम मास का, फिर इसने इसको स्ट्राइक किया और फिर ये दोनों इकट्ठे होके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी कैपिटल वी। तो हम क्या करते हैं, एम इंटू वी प्लस जीरो इज इक्वल टू एम प्लस ईटा टाइम्स एम इंटू कॉमन वेलोसिटी वी। तो अगर आप इसमें लगा रहे हो तो इसमें क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये इसको स्ट्राइक कर रहा है, टक्कर हो रही है, कोलिजन हो रही है, और जब जब कोलिजन होती है मोमेंटम कांस्टेंट होता है। फिर जैसे ही इसको ये स्ट्राइक करता है, टक्कर कैसे हो रही है देखो, जैसे ही ये इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ गया, फिर ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी वी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो एक बॉडी रेस्ट पे थी, दूसरी ने इसको स्ट्राइक किया, फिर इकट्ठे चल पड़े, इकट्ठे चल पड़े, इट मीन्स मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा कि सबसे पहले इसका मोमेंटम कितना है, mu, इसका मोमेंटम कितना है, जीरो। टक्कर हो गई तो दोनों का टोटल मास इतना हो गया इनटू टोटल वेलोसिटी कैपिटल v। तो कैपिटल v की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, m प्लस ईटा टाइम्स m। क्लियर है यहां तक? ये कॉमन वेलोसिटी आ गई किसकी, एक वेज की और साथ में ब्लॉक की, जब इकट्ठे दोनों ऑपोजिट साइड मूव करेंगे। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो मैंने कहा ये इसको कोलाइड करेगा, जब भी कोलिजन होती है मोमेंटम कंजर्वेशन, टक्कर होने से पहले सिर्फ यही मूव कर रहा था, इसका मोमेंटम ये मूव नहीं कर रहा था, जीरो। इकट्ठे मूव कर रहे हैं, टोटल मोमेंटम। क्लियर है? अब आगे करें। अब जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, वैसे तो उसका लेक्चर नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम है एनर्जी कंजर्वेशन, बट अब क्वेश्चन आ गया बीच में तो करना तो पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन से, तो एक बार इसमें लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो जैसे ही हमें इसमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी यू, सेकेंड स्टेप होगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो वी तो मैं निकाल ही चुका हूं, यू अपॉन वन प्लस ईटा, इसको साइड पर रख लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में बेसिकली क्या करना है कि सबसे पहले इसके पास कौन सी एनर्जी थी, हाफ एम बस, और कुछ नहीं थी, इसी के पास थी। ये ब्लॉक तो आराम से बैठा हुआ था रेस्ट पे और इसके पास तो कुछ था ही नहीं, ये थी टोटल एनर्जी। फिर क्या हुआ, ये ब्लॉक इसके ऊपर आ गया और फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी। अब जैसे ही ये ब्लॉक ऊपर आया तो इसने अपनी कौन सी एनर्जी इंक्रीज कर ली, पोटेंशियल एम जी एच, एक नंबर ये एनर्जी प्लस प्लस। वेज मूव कर रहा है, फ्री में तो नहीं मूव कर रहा, इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि हाफ एम यू स्क्वायर ने कुछ एनर्जी दी थी। तो कितनी एनर्जी होगी वेज के पास, हाफ इंटू एम प्लस ईटा एम। सिर्फ वेज नहीं मूव कर रहा, वेज के साथ ब्लॉक भी तो मूव कर रहे हैं। जब ब्लॉक वेज के ऊपर आ गया फिर इकट्ठे मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ वी। तो मैंने उनको इकट्ठे मूव करवा दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। ये समझ आ रहा है कि
जब ब्लॉग ऊपर चढ़ गया तो MGH, फिर ये दोनों के दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो हाफ एम ईटा इंटू एम इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, और कॉमन वेलोसिटी तो आप निकाल ही चुके हो, इस कैपिटल वी को उठा के यहां पुट कर देना है और यहां से यू निकाल लेना है, क्या जाएगा आंसर जाएगा। मेथड क्लियर है? ठीक है, हालांकि एनर्जी कंजर्वेशन के मैं सारे क्वेश्चन आपको, जिस दिन एनर्जी कंजर्वेशन करवाना है मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरीके से करवाऊंगा कि आपका एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, नॉर्मली स्प्रिंग के क्वेश्चन बहुत फेमस है एनर्जी कंजर्वेशन में, तो उसके साथ ही काम करेंगे, पर ये एक क्वेश्चन है जो एनर्जी कंजर्वेशन का हम सेपरेट करेंगे। याद क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? यहां से आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे आंसर चेक कर लेना, या चेक U को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, सॉल्यूशन में चेक किया करो, सीधा अपना सॉल्व कर लो, U की वैल्यू आ जाएगी, ABCD में से क्या आंसर आएगा, सी आंसर आ जाएगा, सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन द इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द अदर लोअर हाफ इज रफ, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट अ टॉप विल अगेन कम टू रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी बी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो मान लो ये वाला हाफ स्मूथ है और ये वाला हाफ रफ है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है जब ब्लॉक्स स्मूथ है, तो कौन इसको नीचे लेके जाएगा, mg साइन थीटा, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, g साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना यहां तक? और अब जब ब्लॉक यहां पर है तो देयर इज अ फ्रिक्शन न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे कौन लेके जा रहा है, mg साइन थीटा, तो इक्वेशन इज mg साइन थीटा माइनस न्यू टाइम्स mg कॉस थीटा इज मास इनटू
एक्सेलरेशन एम 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 कैंसिल, ए की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, मीन्स सेकेंड हाफ में एक्सेलरेशन ये होगी, जी भी आएगा, जी भी लगा लो, ठीक है ना यहां तक। तो सेकेंड केस में एक्सेलरेशन ये होगी, पहले वाले केस में स्मूथ के केस में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा और नीचे वाले केस में म्यू के साथ होगी, ये चीज क्लियर है, ठीक है ना यहां तक। बस अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इक्वेशन लगानी है सिंपल। क्या इक्वेशन लगानी है कि जब यहां पे थे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब यहां पर आए तो वेलोसिटी वी हो गई। इस पोर्शन के लिए आप अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू जी साइन थीटा इंटू एल, इक्वेशन नंबर वन, क्लियर है यहां तक। वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू ए एस, ठीक है ना यहां तक। और सेकेंड केस में देखें, या तो क्लियर है सबको ना, तो केस नंबर टू देखो, जो केस नंबर टू है उसमें मैं क्या पुट करने वाला हूं, देखो केस नंबर टू, इसके लिए यहां पर वेलोसिटी v है जो कि हम निकाल चुके हैं और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो, मतलब इतने पोर्शन के लिए v इज दी इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इज दी फाइनल वेलोसिटी। तो फिर से एक बार लगाओ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टू इंटू एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, लेकिन आगे साइन माइनस लगा लेना, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है v से जीरो, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है स्लो डाउन, क्लियर है यहां तक। तो यहां से इन दोनों v स्क्वायर की वैल्यू को उठाओ और यहां पुट कर दो, निकाल लेना जो भी निकालना है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना यहां तक। तो v स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर देनी है, वहां से आंसर देखो क्या आएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है ना, डाउट है तो पूछो, क्लियर है। तो यहां से सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, जो भी आ रहा है आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, ये करना,
एक्सेलरेशन किस में आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये लग गया फिर से सेम है, इधर ले जाओगे तो माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। इस वी स्क्वायर को उठा के यहां पुट कर दिया, वी स्क्वायर, अच्छा माइनस के साथ नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है इसका, नहीं मेरे हिसाब से तो माइनस तो आना चाहिए, माइनस तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो रिटार्डेशन हो रहा है मैं कैसे कहूंगी माइनस नहीं लगाना, जब न्यूमेरिकल में माइनस लगाते हैं रिटार्डेशन में तो फिर म्यू जीरो रहने दो, कोई बात नहीं। जब मैंने फ्रिक्शन यहां लिया था, ये फ्रिक्शन लिया मैंने, यहां पर मेरा मास आया v, फिर मास यहां पर आ गया, वेलोसिटी जीरो हो गई। अब अगर हम इसको एनालिसिस करें, mg साइन थीटा और यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है, बोलो किसकी वैल्यू बड़ी है, म्यू आर की या mg साइन थीटा, mg sin theta। म्यू आर की, देखो देखो mg sin theta की, अच्छा देखो देखो इसमें क्या है, देखो देखो मैं समझाता हूं, कुछ ऐसा है कि म्यू इंटू आर की वैल्यू जो भी होगी कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी को जीरो करना है, और अगर वेलोसिटी जीरो होगी इसका मतलब है कि रिटार्डेशन है, जैसे कि मैं हमेशा बोल रहा हूं कि रिटार्डेशन है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि अगर रिटार्डेशन है तो ए को माइनस पुट कर दो मेरी वैल्यू आ गई, हमने ऐसे किया, जैसे न्यूमेरिकल कोई मोशन वांडी का न्यूमेरिकल आता है उसमें गिवन होता है कि बॉडी इज रिटार्डिंग रिटार्डिंग एंड विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या पुट कर लेते हैं, माइनस 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स में क्वेश्चन है, ये वेरिएबल में क्वेश्चन है, मैंने सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा दिया जिसके अकॉर्डिंगली मैंने ये मान लिया कि mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg cos थीटा, ये जो भी इनका सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा, जो भी एक्सेलरेशन a आएगी उसके आगे माइनस लगा लेना, मैंने बोला मान लो एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं, सेम मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं जिसमें मैं m की वैल्यू दे रहा हूं, g दे रहा हूं, थीटा भी दे रहा हूं और म्यू भी दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, ठीक, म्यू दे रहा हूं मैं एक न्यूमेरिकल में, सच दैट जब आप यहां वैल्यूज पुट करोगे अगर तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये एक्सेलरेशन अपने आप क्या जाएगी, माइनस आएगी, और अगर सपोज एक्सेलरेशन हो रही है तो न्यूमेरिकल में ऑटोमेटिकली ये एक्सेलरेशन क्या आती है, यानी कि मैंने गलत पुट किया कि अगर तो न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन होकर रिटार्डेशन है फिर तो मैं माइनस के साथ ही पुट करता हूं, 99% तो ऐसे ही करते हैं, रिटार्डेशन मींस माइनस साइन के साथ, पर क्योंकि हम वेरिएबल्स में काम कर रहे हैं हमें नहीं मालूम कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसीलिए इसने क्या किया, ए का कोई साइन खुद ने पुट किया, वी स्क्वायर को ऊपर से नीचे पुट कर दिया तो उसने म्यू की वैल्यू निकाल दी, ठीक, तो ये जो है मेरे एंड पर मिस्टेक है, क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं अगेन जैसे काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें न्यूमेरिकली पता है क्या कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और रिटार्डेशन ही है तो मैं माइनस 4 पुट करूंगा, लेकिन इसमें वेरिएबल है मेरे को मालूम नहीं है कि क्या होगा, तो इसलिए
आप एज इट इज ही क्वेश्चन सोल्व करो और मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, माइनस नहीं लगाना, माइनस के बिना ही सोल्व करो, ठीक आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि क्यों मैंने चेंज किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है रिटार्डेशन, और मैं खुद वेलोसिटी जीरो को देख के ये खुद अज्यूम कर रहा हूँ कि रिटार्डेशन है, और जबकि इक्वेशन में उसके अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ कि mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज m into a। बात समझ में आ रही है कि मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि रिटार्डेशन है, खुद ही वर्ड एड कर दिया न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन है और खुद ही माइनस लगा दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लो 27 देखो। देखो इसका एक और जस्टिफिकेशन है जो मैंने अभी किया, अभी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में मान लो एक क्वेश्चन है सिंपल मोशन इन 1D का, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब क्या करोगे, 5 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज 2 इंटू माइनस ए इंटू 7, क्या करोगे, क्यों माइनस ए क्यों नहीं, आपको तो नजर आ रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है। अब बात समझ में आ रही है मैंने क्या गलती की थी इसमें, ए को अपने आप ही नेगेटिव आने दो, और मैंने क्या किया, मैंने यही गलती की, मैंने देख लिया कि 10 से 5 हो रहा है, मैंने फटाफट ए को नेगेटिव पुट कर दिया, जबकि क्वेश्चन में खुद ए को क्या आना था, नेगेटिव। एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि हमने क्या इसमें पॉइंट मिस किया, ठीक है ना। यहां तक नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में स्फीयर इज रोटेटिंग बिटवीन अ रफ वॉल एंड अ स्मूथ वेज एज शोन इन अ फिगर, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड अ स्फीयर, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन अ वॉल एंड अ स्फीयर विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो ये क्वेश्चन है, ये एंगल थीटा है, यहां पर फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन है लेकिन यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन का एक रूल है कि नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पर कहां एक्ट करेगी, सेंटर की तरफ। स्फीयर की किसी भी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करता है, सेंटर। ऑप्टिक्स में किया, नॉर्मल्स कहां से पास करते हैं, स्फीयर के सेंटर से, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहां से पास करने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स सेंटर। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरफ, बिल्कुल बेस के पैरेलल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सच दैट अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये थीटा 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें, ठीक। आगे ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन N2 है, ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन N1 है, N2 के दो कॉम्पोनेंट है, N2 cos ऑफ थीटा और इस तरफ क्या होगा, N2 sin ऑफ थीटा, ठीक। डायग्राम समझ आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शंस ना एक्स वाई प्लेन में है, तो आपको फोर्सेस को सबसे पहले क्या करना होता है, या तो एक्स प्लेन में या फिर वाई प्लेन में लेके आना है, और मैंने ऐसा ही किया। और इसका बॉडी का जो वेट है वो कहां एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
W नीचे, ठीक है यहां तक, W की वैल्यू नीचे। ठीक, अब क्योंकि ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, मुझे कैसे पता लगा, भाग नहीं रहा ना, नहीं तो कब का बॉल के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता या इधर उधर हाइट अटेन कर लेता, बिल्कुल वैसे ही घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है। तो वर्टिकल फोर्सेस नीचे की ऊपर की फोर्सेस को बैलेंस कर रही है, इसका मतलब ऊपर की एक फोर्स कितनी है, N2 cos थीटा, और एक फोर्स कितनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी मोशन इस तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज करेगी और कहां करेगी, वर्टिकली, ठीक है ना, ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स एन, ठीक है यहां तक। तो वर्टिकल फोर्सेस को अगर हम बैलेंस करें, तो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करते हैं, ऊपर की फोर्स कितनी है, म्यू टाइम्स एन वन प्लस एन टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू, ठीक है यहां तक, एक इक्वेशन, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, पॉइंट नंबर वन इज क्लियर, ठीक है यहां तक। और नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये एन वन है और इससे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है, एन टू साइन थीटा, तो एन वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर वन एंड टू, यहां तक क्लियर है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और बताओ जरा एन वन कितना आ रहा है डब्ल्यू की फॉर्म में, पॉइंट सबको समझ आ रहे हैं कि दो इक्वेशंस क्लियर है यहां तक, इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स और लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, ठीक है ना यहां तक। इनको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, डाउट है देते, ठीक है ना यहां तक, तो इसमें अगर आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो चेक करना क्या आपका ये आंसर आ रहा है एन वन का, आपका ये आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आपको एन वन के ऊपर कमेंट करना है कि वॉल के ऊपर दीवार के ऊपर जहां फ्रिक्शन है वहां नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज हो रहे हैं एंगल से और म्यू से। तो एक आंसर तो क्लियर है कि अगर मैं म्यू बढ़ाऊंगा इंक्रीज करूंगा तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना, इफ म्यू इंक्रीजेस नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेस। अब आ जाओ थीटा के ऊपर, मुझे पहले एक चीज बताओ, जब एंगल थीटा बढ़ता है तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बढ़ता है कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना, कॉट थीटा डिक्रीज होता है, और अगर कॉट थीटा डिक्रीज होता है तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन याद रहे आपको जो आंसर देना है वो कॉट थीटा के हिसाब से नहीं देना, आपको तो थीटा के हिसाब से देना है, तो ऐसा लिखें व्हेन थीटा इंक्रीज कॉट थीटा डिक्रीज तो एन वन इंक्रीज, या फिर इसको छोड़ दो व्हेन थीटा इंक्रीज तो एन वन ऑल्सो इंक्रीज, इसका बेस्ट आंसर मार्क कर लेना क्या होगा, बट समझ आ रहा है जब एंगल बढ़ेगा तो एन वन बढ़ेगा, ठीक ना, यहां तक डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो एन कम होगा और अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो एन वन बढ़ेगा, पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो कैसे इसका आंसर देना है, क्या आंसर आएगा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये करना 30th,
टेस्ट थी तो प्लस वन की भी चलेगी जो सारे चैप्टर्स की अप टू SHM एंड वेव्स. देखो क्वेश्चन है, लो फिर एक टेबल बना लो और एक चेन बना लो. ये चेन, चेन की लेंथ L है, चेन कितनी हवा में लटक रही है L डिवाइडेड बाय N, और यहां फ्रिक्शन प्रेजेंट है म्यू. चेन नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्या निकालना है? अगर नीचे ना गिरे तो क्या निकालना है? म्यू. म्यू निकालना है. तो कितना म्यू रखें कि चेन L बाय N हवा में लटके और नीचे ना स्लिप हो. सबसे पहले अगर ये चेन गिरती है कौन इसको गिरेगा? इसका वेट जो हवा में लटक रहा है. पहले हम इसका मास निकाल लें. मास निकालने का एक तरीका है, हमें मास तो गिवन नहीं. एज्यूम कर लो अगर लेंथ ऑफ चेन L है तो मास कितने है? M है. मान लो अगर 1 है तो M डिवाइडेड बाय L है, और अगर लेंथ L बाय N है तो M बाय L इंटू L बाय N. L से L कैंसल, M डिवाइडेड बाय N. इसका मास आ गया. ठीक क्या यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? तो इसका वेट कितना आ गया? M डिवाइडेड बाय N इंटू G. ठीक. और कौन इस चेन को बचाएगा? यहां की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स यहां का नॉर्मल रिएक्शन, और यहां नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो यहां के वेट के इक्वल होगा. और इसकी लेंथ कितनी होगी? L माइनस L बाय N. तो इसका नॉर्मल रिएक्शन के लिए पहले इसका मास निकालना पड़ेगा, तभी वेट आएगा. तो अगर चेन की लेंथ L है तो मास M है, 1 है M बाय L है, और अगर लेंथ कितनी है? L इंटू 1 माइनस N. इसको सॉल्व करोगे तो L इंटू 1 माइनस N, तो क्या आएगा? M बाय L इंटू L इंटू 1 माइनस L से L कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ गई M इंटू 1 माइनस. ज्यादा क्लियर है? ठीक. तो नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू टाइम्स, इसका मास हम निकाल चुके हैं, तो M इंटू 1 माइनस 1 बाय N इंटू जी, ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? मतलब लेंथ से मास निकाल लिया और मास से वेट निकाल लिया, वेट से नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया. चेन को नहीं गिरने देना, तो फिर एक काम करो, इसको और इसको इक्वेट कर दो. वेट जो नीचे लटक रहा है मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इक्वेट करके एम से एम कैंसिल, आंसर आ जाएगा म्यू का निकाल. मेथड क्लियर है यहां तक? चेन का वेट क्या होगा और टेबल के ऊपर पड़े हुए जो चेन है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? यहां से सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा सॉल्व करने पे म्यू इज इक्वल टू 1 बाय एन माइनस 1. नेक्स्ट करना.
कैसे करेंगे? सर मेथड बताओ। लेके जाना पड़ेगा काइनेमैटिक मोशन क्वांटिटी में। जब हमने डराइव किया था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को क्या मानते हैं? पूरी जर्नी में ए चेंज ही नहीं होती। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली। मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड से 6 फिर 8 फिर 10 एंड सो ऑन इन इक्वल इंटरवल ऑफ हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ऐसे किया, लेकिन कई बार एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होती। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ना होने का क्या मतलब हुआ? जैसे मैं बाइक चला रहा हूं, एक तरीका कि मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, 2 सेकेंड में एंड 2 सेकेंड में। आप कहीं पर भी देख लो, मेरी जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। माइनस करो वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ऐसे क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर भी सकते हो बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू यू प्लस at, क्योंकि a की वैल्यू हर इंस्टेंट पर क्या रहने वाली है? 1। पर सोचो मैं बाइक चला रहा हूं, 2 मीटर पर सेकेंड से मेरी स्पीड 4 हो गई, 4 से एकदम 10 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 30 हो गई, और ये मैं 2 सेकंड में करता हूं, ये मैं 4 सेकंड में करता हूं, ये मैं 6 सेकंड में करता हूं, और ये मैं 15 सेकंड में करता हूं। तो बोलो 30 से लेके मेरी स्पीड 50 कितनी देर में होगी? आप कहोगे कैसे निकालेंगे, आप बाइक ऐसे चला रहे हो मुझे पता ही नहीं लग रहा, कभी तेज कर रहे हो कभी स्लो कर रहे हो, कैसे सॉल्व करें? क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। समझ आया इसका मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट एवरेज एक्सेलेरेशन का एक तरीका होता है, बट एवरेज भी कब निकालें? जब जर्नी का पता हो कि यहां से यहां तक है, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही एक है, वो इंटीग्रेशन। कैसे? देखो पार्टिकल मूव कर रहा है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ट्वाइस इट्स वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी आफ्टर 0.1 मीटर। सोचो वेलोसिटी पहले कम थी, सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा था, एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, जैसी वेलोसिटी बढ़ी एक्सेलरेशन बढ़ गई, फिर उसकी यानी कि और वेलोसिटी बढ़ी, जैसी वेलोसिटी बढ़ी उसकी एक्सेलरेशन और बढ़ गई, समझो वेलोसिटी और बढ़ गई। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ना, जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इट मींस व्हाट, कि वेलोसिटी एकदम बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन एकदम बढ़ती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? एक्सेलेरेशन इज ट्वाइस दी वेलोसिटी, क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जब उसका डिस्टेंस 0.1 मीटर है। तो एक्सेलेरेशन क्या होती है? डीवी बाय डीटी इज 2 टाइम्स वेलोसिटी। एक प्रॉब्लम है, यहां पर वेलोसिटी चल रही है और साथ में ये टर्म क्या चल रही है? डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर क्या आ गया? टाइम। तो एक काम करो, डीवी बाय डीटी के राइट साइड पे ds से मल्टीप्लाई कर दो, ds से डिवाइड कर दो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पेयर बना लो, एक दो। ds बाई dt का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी v, तो क्या इक्वेशन बन गई, v dv इज इक्वल टू रादर v से भी v क्या हो गया कैंसल, v से v कैंसल हो गया, तो क्या इक्वेशन बन गई, dv इज इक्वल टू टू टाइम्स ds, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक, क्योंकि मैंने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन भी मैंने क्या की, इंटीग्रेशन भी ऐसे की ताकि वेलोसिटी बच जाए और डिस्प्लेसमेंट बच जाए, ठीक, और इसको इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.1 और फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, लेट्स से v डैश, लिमिट लगा दी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0.1 है, इंटीग्रेट कर लेना, v आ जाए, पॉइंट क्लियर है। तो जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होगी तो एक ही तरीका है जो मैं कर रहा हूं, और कोई तरीका नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस।